प्रदेश के मैनपुरी जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। महज 4.5 बीघा जमीन के लिए छोटे भाई ने अपने भैया भाभी की जान ले ली। उसने 8 माह की मासूम भतीजी को भी मारने का प्रयास किया है। किसी को शक ना हो इसलिए घायल भतीजी को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अपनों के खून से सने उसके कपड़े से उसका खौफनाक चेहरा सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुरावली थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी शांति शरण के 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियों की शादी के साथ ही 9 बीघा पैतृक जमीन विघ्नेश और अवनेश के बीच बराबर बराबर बांट दी गई। अवनेश शराब पीने का आदी था। उसने अपना शौक पूरा करने के लिए अपने हिस्से की जमीन को बेच दिया। विघ्नेश के कोई संतान नहीं थी, इस कारण अवनेश की नजर भाई की जमीन पर थी। करीब 8 माह पहले बहन की मौत के बाद विघ्नेश की पत्नी गीता देवी ने उनकी नवजात बच्ची को गोद ले लिया। जमीन की वारिस वैष्णवी के होने से दोनों भाइयों के बीच झगड़े होने लगे। हत्यारोपी अवनेश का निशाना 8 माह की वैष्णवी भी थी। भाई और भाभी की हत्या करने के साथ ही उसने वैष्णवी पर भी हमला किया। बच्ची को मरा समझकर युवक भाग निकला। ग्रामीणों के अनुसार वैष्णवी और जमीन को लेकर 2 दिन पहले ही दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस पूछताछ में अवनेश ने स्वीकार किया कि उसने जमीन के लिए ही अपने भाई और भाभी की हत्या की है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक नशे का आदी था। आए दिन उसका पत्नी से भी झगड़ा होता था। रोज रोज झगड़ों से परेशान होकर करीब 2 महीने पहले पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद युवक भाई के घर खाना खाता था। ग्रामीणों ने बताया कि वारदात की रात भी आरोपी ने भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाया और फिर वहीं पर सो गया। जांच में जुटी पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली। डॉग स्क्वाड वारदात स्थल से पहले नलकूप पर गया। यहाँ से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया। इसके बाद डॉग स्क्वाड आरोपी भाई के घर पहुंचा जहां ताला बंद था। ग्रामीणों की मौजूदगी में पुलिस ने ताला तोड़ा तो घर के अंदर से खून से सने कपड़े बरामद हुए। वारदात के संबंध में किसी का शक ना हो इसके लिए आरोपी अवनेश ही घायल वैष्णवी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां से बच्ची को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया तो आरोपी साथ रहा। इस बीच सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का इलाज सैफई में चल रहा है। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्र प्रकाश। अच्छा सर, ये जो ना जो एक्सपायर हुए हैं दोनों पत्नी, ये आपके कौन लगते थे? ये हमारे चचेरे भाई का भाई लगता था, लड़का था। अच्छा, ये कितने भाई थे? ये 2 भाई थे, एक छोटा भाई है। आज उनकी हत्या हो गई है, क्यों हुई है, क्या कारण है? वो इस मामले में सर हमको कोई मालूम नहीं रहता, लेकिन ये सुबह जब मैं उठा था उनका गेट बंद था बाहर से जी, तो उनके पानी लगाने के लिए एक बंदा आया था, बोला हमारा खेत बना है इसको चालू करना है, तो उसको गेट खुलवा रहा था, तो बाहर से गेट लगा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो उसने गेट खोला जब तो अंदर देखा जाके ये खून से कुछ लाश लथपथ हैं। बच्ची रो रही थी, तो हमारा भतीजा है वो वहाँ गया, देखा, उसने घर पे जाके बताया तो हम लोगों को मालूम पड़ा जी। तो सर ये जो इसका जो भाई है तो क्या वो किस किस्म का इंसान था? कुछ ऐसा ही शराबी टाइप का था जी, लड़ाई झगड़े करता था। अच्छा, कितने बीघा जमीन थी इनके पास? इसके 2 भाई हैं, 5-5 बीघा पड़ती थी जी। कुछ इन्होंने अपने शादी में बेच दिया था, कुछ बहन की शादी में बेचा, कुछ अभी बेच के अपना मकान बनाया था। अच्छा। फिलहाल कुछ भी इसके पास जमीन नहीं रही थी, केवल मकान ही मकान था छोटे भाई के पास। छोटे भाई के पास तो ये इसने सब बेच दिया था सब। अच्छा, जो एक बच्ची जो है वो किसकी बच्ची थी? वो इसके भाई की गोद ली हुई बच्ची थी, उनके कोई संतान नहीं थी तो गोद ली थी। उसकी भी हालत नाजुक है, उसको रेफर कर दिया गया है मैनपुरी के लिए, वहाँ से फिर बोला पता नहीं किधर भेजा। अच्छा, ये आपके पड़ोस में जो रह रहे थे क्या नाम था उनका? उनको गीता विघ्नेश। अच्छा, ये दोनों लोग कितनी उम्र थी इनकी? अच्छा, लोग हमसे बहुत छोटे हैं, हम कहा बताए ना, आप आइडिया लगा। अच्छा, इनकी इनकी जो ना मौत हो गई क्या कारण लगा, कि ये कब जान पाई आपने जानकारी कब ले पाई? हम तो छत पर रोटी बनाए रहे, लली रो रहे, सोइन ने बच्चा हुए जो एक छोटा बच्चा जाके गीता का लेट गई है, लली गाय रो रही, तब वो अंदर घुसो, अभी यहाँ जाके मम्मी यहाँ खून डरो, तब इन कही तो हम आटा बता दो छोड़ के आगे लंगे पाए। अच्छा, जो बच्ची रो रही थी वो क्या उम्र होगी उसकी, कितनी उम्र की थी? एक साल की मई मुझे नहीं है बाबा, 1 साल की नहीं, 7-8 महीने की है क्या? हाँ, आप अंदाज लगा लो मई में। अच्छा, इनका कोई किसी से विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं,
अच्छा कितने भाई हैं ये? दो। अच्छा ये जो मरे हैं वो बहुत सीधे थे क्या? बहुत सही थे, बहुत सीधे। अच्छा जो दूसरा भाई है वो क्या करता था? उनके बारे में कहा लली संग गए के लिए न मालूम हो तो भैया बच्चा बने देख रहे। नहीं बताया जाता कि उन्होंने अपनी खेती बाड़ी सब बेच दी? खेती बिल्कुल जीरो कर दी है। मतलब जो दूसरा भाई, दूसरे भाई का नाम क्या है? अवनीश। अच्छा तो वो क्या दरुआ गुरु भी पीते थे या? हाँ, तो जे काम दिन में सब रही है। अच्छा मतलब छोड़ भाई सभी गुण थे उसमें, जुआ भी खेलते थे? जुआ भी आ रहे हैं उनसे पूछो और हमें ज्यादा नहीं मालूम। ठीक। सर क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम रामेंद्र कुमार है। किस गांव के रहने वाले? निजामपुर के रहने वाले। अच्छा ये जो ना आपके पड़ोस में ये दाम्पत्य की जो हत्या कर दी गई है, ये जानकारी आपको कब मिली? ये सर हमें तो जानकारी तब मिली जब मैं बाजार गया था, कटिंग कराने के लिए बाजार गया था जी। तो हमारी पत्नी ने, भाई ने जानकारी हमें दी, हमें तो मालूम भी नहीं था सर जी। हाँ, तो यहाँ पे कौन कौन लोग रहते थे? कहाँ पर सर? इन्हीं के घर में। इनमें घर में सर ये पति पत्नी दोनों ही रहते थे और इनकी एक बच्ची थी छोटी। किसी से कोई विवाद चल रहा था? इनका विवाद तो सर हम तो नहीं बता सकते। कभी भाई भाई लड़े थे? भाई भाइयों में तो कभी कभार होती रहती थी इनमें, लेकिन अदर किसी से मैंने कभी विवाद नहीं देखा। अच्छा मतलब इनकी आर्थिक पोजीशन क्या थी? आर्थिक स्थिति सर ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो हत्या का क्या मतलब, क्यों हत्या की गई होगी, क्या पूरा सर इसकी बाजारी में तो हम नहीं बता सकते हैं। इतनी जानकारी होती तो फिर हम भी कुछ बताए। कार अच्छा इनका जो छोटा भाई है क्या नाम है उसका, और वो उसके कैसे आचरण थे? उसके सर छोटा भाई इसका अवनीश है, उसके आचरण ठीक नहीं है, वो ज्यादा वैसा है। कितने बच्चे हैं छोटे भाई के? छोटे भाई कोई बच्चा नहीं है। अच्छा शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है। तो क्या ये दारू वगैरह भी पीते थे? हाँ पीता था। जामपुर गांव में मौजूद है इस समय, डबल मर्डर की सूचना है, पूरा मामला क्या है? अरे ये ग्राम निजामपुर है, थाना कुरावली क्षेत्र मैनपुरी। इसमें सूचना मिली थी कि पति पत्नी और उनका बच्चा, ये तीनों लोग के बारे में सूचना मिली थी। पति पत्नी के सिर पर मजबूत लोहे के औजार से चोट है और उनकी मृत्यु हो गई है। बच्ची को भी चोट है और घायल है, इस सूचना मिली थी। इस पर पुलिस पार्टी यहां पे पहुंची हुई है। पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनको बॉडी को सील करके मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें मृतक के छोटे भाई पे शंका जाहिर की गई है। मृतक का छोटा भाई बेहद शराबी किस्म का व्यक्ति है और करीब एक महीना पहले इसकी पत्नी भी इससे लड़ झगड़ के अपने मायके चली गई है। साथ ही साथ दो तीन दिन पहले ही अभी इन दोनों में, दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। और ये जो मृतका है वो बार बार कहती थी कि अगर ये शराब पी के आएगा तो इसको खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपनी शराब पीने की लत से बाज नहीं आ रहा था। यह भी जानकारी मिली है कि जिस पे शंका जाहिर की जा रही है उसने अपना 5 बीघा खेत पूरा बेच दिया है और इसकी नज़र अपने भाई के खेत पर थी जी। इस तरह की बातें आई हैं, तहरीर मिली है, इस पे शंका व्यक्त की गई है और उसी तहरीर को दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। ये उल्लेखनीय है कि जो डॉग स्क्वाड हमारा मौके पर आया है वह भी मौके से इसके घर पर गया है, जिस पर शंका व्यक्त की गई है छोटे भाई पर, उसके घर तक डॉग स्क्वाड हमारा गया है। इससे भी चीज़ें पुष्ट हो रही हैं। साथ ही साथ जिस आला कत्ल से इसकी मौत कारित की गई है वो भी अभी तलाश की जा रही है और इस पर पूरी शंका है कि इससे पूरे लिंक जुड़ेंगे, कड़ी से कड़ियां मिलेंगी, विवेचना आगे होगी। अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। सर इस घटना में एक बच्ची भी घायल हुई है? हाँ, उस बच्ची के बारे में मैंने बताया कि ये बच्ची अभी जो जानकारी मिली है मृतक के साढ़ू की बेटी है जिसको इन्होंने गोद लिया था और इस बात से भी इनका छोटा भाई जलन रखता था, नाराज था कि अब सारी प्रॉपर्टी उसकी ना हो करके उस बच्ची की हो जाएगी। इन सब चीज़ों से लेकर इनके घर में माहौल ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं उसका लिंक इस घटना से हो सकता है, उस पर विवेचना की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।